उस रूप दर्शन की उत्कंठा उस रूप को सामने ला देती है। हृदय में उत्कंठा यदि जग जाए तो एक ऐसी ललक जागनी चाहिए, ऐसी प्यास जागनी चाहिए। जिस दिन वो प्यास जाग जाएगी उसी दिन वो रूप सामने आ जाएगा। ये इसीलिए उस रूप का वर्णन किया जाता है कि उसको देखने की प्यास जाग जाए। और जिस चीज का चिंतन किया जाता है उस चीज में आसक्ति होती है और आसक्ति से प्यास जागती है। एक नियम है, याद रखना चाहिए कि हम जिस चीज का चिंतन करेंगे उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। झूठ मूठ के हम अपने को भक्त घोषित करें, चिंतन करें गलत यानी विषयों का अर्थ का, तो कभी भी प्यास नहीं जगेगी, कभी भी नहीं जगेगी। केवल हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसत संगस्तेषु उपजायते। जिस चीज का ध्यान करता है आदमी, चिंतन करता है, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, इससे उसकी इच्छा पैदा होती है। ललक संगात संजायते कामः, ललक पैदा होती है उसको देखने की, उसको सुनने की। वो ललक तभी पैदा होती है जब आसक्ति होती है, और आसक्ति तभी होती है जब निरंतर उसका चिंतन किया जाए, अहर्निश उसका चिंतन, वहीं पर मन चिपका रहे। यही मार्ग है उस रूप के सामने आने का, लाल लल्ला के सामने आने का, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उस रूप को तदाकार वृत्ति से गाओ। जिसने भी गाया है उसने पाया है। गाने में तदाकारता अवश्य होनी चाहिए। गाना इसलिए नहीं होना चाहिए कि हलवाई की दुकान हो जाए। हलवाई मिठाई बहुत बढ़िया बनाता है लेकिन दूसरों के लिए बनाता है। बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम, रसगुल्ला, ये सब बनते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन खुद वही टिक्कड़ खाता है घर में। वैसे हमारा जो गान है, हमारी जो कथा है, हमारा जो कुछ भी है, वो हलवाई की दुकान न हो जाए, वो प्रभु के लिए होना चाहिए। ये देखा जाता है गवैयों का, उनकी कला जब ही सामने प्रकट होती, जब अच्छा समुदाय सुनने वाला हो, नहीं तो वो कला वाला कुछ नहीं प्रकट होती। ये एक सच्ची कमी है और उस कमी को समझना चाहिए। भगवत रति तभी उदय होती है। दो चेष्टा होती है, एक व्यक्ति विषयणी, एक वस्तु विषयणी। व्यक्ति विषयणी तो ऑडियंस अच्छे अच्छे सुनने वाले हों, मालदार आदमी हों, सेठ हों या स्त्रियां हों, तो बस कला की चेष्टाएं प्रकट होने लग जाती हैं। इसको व्यक्ति विषयणी चेष्टा कहा गया। वस्तु विषयणी क्या है? वस्तु है भगवान, उसके लिए। तो जब चेष्टा वस्तु विषयणी होती है प्रभाव पड़ता है और इष्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब वस्तु विषयणी नहीं तो भगवान भी जानते हैं कि केवल नट है, नट, इसीलिए वो उस रूप का आविर्भाव नहीं होता। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।